स्क्रीन पे एक मलबा देख रहे हैं आप। ये मलबा एयरलाइन फ्लाइट 752 का है और ये मलबा बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन गया था क्योंकि इस एयरलाइंस को IRGC ने उड़ा दिया था। कौन है ये? ये ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन है जिसने ऐसा किया था। क्या इसका बदला कनाडा ने अब जाकर लिया है ईरान से? जानेंगे ईरान पर बड़ा फैसला लिया है कनाडा ने। हालांकि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और बताई जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोबाल्ट का पहाड़ है जिसके लिए भारत ने दांव खेला लेकिन भारत को मना कर दिया गया। पर यहां पर हार कर भी भारत इस अनमोल खजाने से भरे समुद्री पहाड़ को जीत रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक फ्लाइट यूक्रेन की फ्लाइट थी तेहरान से कीव जानी थी। तेहरान माने ईरान और कीव माने यूक्रेन की राजधानी। तो दोनों की राजधानियों के बीच में ये फ्लाइट थी। ये फ्लाइट 8 जनवरी 2020 को उड़ती है लेकिन इसे मार दिया जाता है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। इसको शूट डाउन कर दिया जाता है जिसमें 176 लोग थे। वो 176 के 176 मारे जाते हैं। मिसाइल्स ने इन्हें बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। और ये सब क्यों हुआ था? अचानक से ईरान ऐसा क्यों कर रहा था? ईरान ने कहा कि ये एक गलती से हुआ काम है, जानबूझकर किया गया काम नहीं है। लेकिन उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन खड़ा था और वो टेंशन था सुलेमानी की मौत, जिसे अमेरिका ने अंजाम दिया था। इसी वजह से गुस्साए हुए ईरान के ऊपर ये आरोप लगता है कि इनकी IRGC ने जानबूझकर इस प्लेन को गिरा दिया। अब इसकी चर्चा एक बार फिर से खड़ी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ईरान के लिए कनाडा ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। पश्चिमी देश लगातार ईरान के ऊपर प्रतिबंधों का बोझ बढ़ा रहे हैं जिससे निपटना ईरान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कनाडा ने एक और ईरान विरोधी कदम उठाते हुए उसकी प्राइम फोर्स समझी जाने वाली IRGC को आतंकी संगठनों के लिस्ट में शामिल कर दिया है। स्क्रीन पर इस खबर को देख सकते हैं। कनाडाई सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडू ऐसा नहीं करते, पर अभी सामने आने वाला है चुनाव और चुनाव के समय जो विपक्षी नेता है कुछ इस तरीके की तस्वीरें वो पोस्ट कर रहे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो बैन नहीं करेंगे IRGC को, मैं बैन करूंगा। बात साफ है, यहाँ पर चुनाव है आने वाले समय में और चुनाव के मामले में पीछे नहीं हटना चाह रहा है। ये मुद्दा धीरे धीरे गर्माने लगा था। पीएरए ने इस मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया था कि हमारे 55 कनाडा के लोग थे उस फ्लाइट में जो मारे गए और अभी तक ये बैन नहीं हुआ है। जिसके बाद माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडू ने चुनाव को देखते हुए IRGC को लिस्ट कर दिया है इस ग्रुप में। वैसे क्या और भी कोई देश है जिन्होंने IRGC को आतंकी संगठन माना है? हाँ जी है, अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन और स्वीडन पहले से ही इसे एक आतंकी ग्रुप मानते हैं। IRGC ईरान की बेहद खास मिलिट्री है, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान का कहना है कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स है जो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि IRGC के पास करीब 1,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। इसके पास ईरान सेना से अलग खुद की ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स है। ईरान विरोधियों के मुताबिक IRGC विदेश में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज को पैसा, हथियार, तकनीक, ट्रेनिंग और सलाह देती है। माना जाता है कि मिडिल ईस्ट ही नहीं IRGC दुनिया के कई देशों में अपने ऑपरेशन चला रही है। IRGC के ऊपर यमन, हुती, हमास, हिजबुल्ला, इस्लामिक रेजिस्टेंट इराक को भी मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी ईरान के लोग हैं जो ईरान से बाहर हैं, वो भी इस चीज की मांग कर रहे थे। वो भी चाह रहे थे कि उन पर बैन लगे। अब बैन लगने का क्या मतलब है? बैन लगने का मतलब है कि IRGC का कोई भी सदस्य नहीं आ पाएगा कनाडा। और ये शुरुआत हो गई है ईरान के ऊपर कई तरह के एक्शन की। हालांकि कनाडा आजकल बहुत सारे एक्शन ले रहा है। कनाडा के संसद में कई सारी चीजें हो भी रही है जो हमने आपको बताया है, पर ज्यादातर चीजें जो है वो फोकस हो रही है चुनाव को देखकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडू का पलड़ा बहुत हल्का पड़ गया है इस बार। खैर,
जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक जगह देख रहे हैं। ये मैप में जो जगह है ये बेहद खास जगह है, नाम है अफान से निकितिन सीमाउंट। और ये क्या है, ये एक पहाड़ है जो हिंद महासागर के बीच में श्रीलंका के नीचे मालदीव के पूरब में है। भारत से इसकी दूरी कितनी है इस पहाड़ की, 1350 किलोमीटर। लेकिन ये पहाड़ है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और दुनिया भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस पहाड़ में बहुत बड़ी मात्रा में कोबाल्ट मिलने का अनुमान है। कोबाल्ट आज दुनिया भर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और मोबाइल से लेकर ईवी तक में इसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे हथियार बनाए जा रहे हैं। इस पहाड़ का इलाका 3000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसमें 150 ब्लॉक हैं। भारत 15 साल के लिए इस इलाके का सर्वेक्षण करना चाहता है, इसलिए भारत ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से मंजूरी मांगी थी। अब ये क्या है, तो ये एक संस्था है जिस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होता है, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल हर तटीय देश को दिया गया है। पर इसके अलावे जो इलाका है वो इनके अंदर आता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के अंदर। वो कहते हैं कि हाँ जी चलो 15 साल के लिए तुम्हें दिया, तो ऐसा मिल सकता था। भारत यहाँ पर दावा रख रहा था लेकिन भारत के दावे को खारिज कर दिया गया। भारत के अलावे श्रीलंका भी इस इलाके में मौजूद खनिजों पर दावा रखता है। भारत के हड़बड़ी की वजह यह है कि चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, उसकी भी इस पर नजर है। चीन अभी दुनिया में कोबाल्ट के व्यापार पर अपना दबदबा रखता है, करीब 70% हिस्सा पर उसका कब्जा है। अब भारत के आवेदन को होल्ड पर रख दिया गया है और भारत को इसका जवाब देना है। भारत यहाँ पर फिर से पहुंचा है और फिर से कह रहा है कि भारत का दावा बहुत मजबूत है। इसकी वजह यह है कि ये इलाका किसी भी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत गहरे समुद्र में खनन के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। साल 2021 में भारत ने डीप ओशियन मिशन शुरू किया ताकि गहरे समुद्र के अंदर खोज की जा सके, और भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2007 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति हासिल कर लेगा, और ऐसे में ये कोबाल्ट बहुत जरूरी है। इसी बीच श्रीलंकाई मीडिया ने खुलासा किया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे कथित तौर पर भारत को उत्खनन करने का अधिकार देने के लिए सहमत हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के अदानी ग्रुप और ताइवान की कंपनी यूमिकोर ताइवान ने कोबाल्ट रिजर्व के उत्खनन के लिए हाथ मिलाया है। ये पूरा सौदा अरबों डॉलर का हो सकता है। भारत और ताइवान चीन को मात देने के लिए साथ आ रहे हैं ताकि श्रीलंका में समुद्री इलाके में चीन का दबदबा न कायम हो। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंच रहे हैं जहां इस पर बात हो सकती है। वैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, ये जल्दी चाहेंगी नहीं कि भारत को मिले। आपको बता दें भारत ने इसके लिए $5,00,000 अलग से देने की पेशकश भी की थी, पर फिर भी यहाँ पर भारत को अभी तक ये नहीं मिला है। अगर श्रीलंका को मिलता है तो भी भारत यहाँ जीत जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।